हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके आईक्यू में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डे और एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने आपके लिए 4 करा दिए, उन्हें देखने के लिए आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। और इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर मैं आपके लिए क्विज भी पूछता हूं जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चनों के होते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 81, नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? इसका सही उत्तर है ए, भारत का नाभि वर्ष एक ऐतिहासिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है, अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचना व्यापक रूप में गाई जाती थी। और दूसरा कथन है, करायल अम्मायार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति से मार्ग को अपनाया। इनमें से कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। यह दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, आपको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामंत्र नियुक्त किए थे? राजा ने धर्म महामंत्र नियुक्त किए थे, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84, जैन धर्म के 22वें तीर्थर कौन थे? इसका सही उत्तर है अरिष्ट नेमी, जैन धर्म के 22वें तीर्थर थे। अब यहां पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि पहले तीर्थर कौन थे, तो पहले तीर्थर थे ऋषभदेव, जैन धर्म के पहले तीर्थर थे ऋषभदेव, तो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85, मात्र नामक किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है सी, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा यह शुरू किया गया था मात्र नामा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? इसका सही उत्तर है चोरी के अपराध में ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना से अधिक दंड देने के लिए मनु ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? इसका सही उत्तर है गौतम का विचार था, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? इसका सही उत्तर है राजराज राजा ने मालदीव को जीता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, कलपद्रुम की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है लक्ष्मीधर ने कलपकुंद्रुम की रचना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90, अशोकर ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी शिलालेख को पढ़ा था, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है बेलन घाटी से सबसे पहले, चावल की खेती के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहां से? बेलन घाटी से, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 92, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? इसका सही उत्तर है कालीबंगन स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। यह कौन सी सभ्यता के थे? सिंधु घाटी सभ्यता के, आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर है कालीबंगन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93, पाली ग्रंथों में
निकटता निपुत निपुत किसे कहा गया है? इसका उत्तर है महावीर स्वामी को पाली ग्रंथों में निगंटना निपुक्त कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? इसका उत्तर है डी समुद्र गुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली का कौन सा अधिकारी करता था? इसका उत्तर है सहंत्रा। जो भी कोई कर लगता था राज्य में, कोई भी कर लगता था, कोई वसूली होती थी, उसको सहंत्रा करता था मौर्य काल के समय में। आपको कब याद रखनी है? मौर्य काल के समय में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? इसका उत्तर है व्यापार में गिरावट आई थी जिसके कारण गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी हुई थी और गुप्त काल के बाद भी सिक्कों की कमी हुई थी। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित अष्ट में स्थान कौन सा नहीं है? इसका उत्तर है तक्षशिला, लुम्बिनी, राजगृह और कुशीनगर। यह अष्ट स्थानों में से है और इसके 8 स्थान हैं, आपको याद रखना, पर तक्षशिला नहीं है। प्रश्न नंबर 98, तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? इसका उत्तर है अशोक के काल में बौद्ध संगति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99, गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? इसका उत्तर है राहुल, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम राहुल था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास में और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं अपने फ्रेंड्स के पास, अपने फैमिली के किसी भी मेंबर के पास में इस वीडियो को सबसे ज्यादा फैलाएं और यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।